उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज उस समय एक युवक की पिटाई कर दी जब वह घर में युवती से मिलने पहुंचा था। मोहल्ले के युवकों ने घर में मौजूद युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद मोहल्ले के युवकों ने उसकी बाइक में भी आग लगा दी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि युवक घर में युवती से मिलने आया था, उस घर में परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। युवती के घर में अकेला होने पर युवक घर पहुंचा था, जिसके बाद मोहल्ले के युवकों ने उस युवक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वालों में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों युवक युवती एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। युवती कई दिनों से अपनी जॉब पर नहीं जा रही थी, जिसका पता करने के लिए साथी युवक युवती के घर पहुंचा था, जिसके बाद युवक पर कई युवकों ने अचानक घर में घुसकर हमला कर दिया और साथ ही साथ उसकी बाइक में भी आग लगा दी। युवक ने मकान के दरवाजे बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस ने घायल युवक को सकुशल मकान से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। मामला दो संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मारपिटाई के बाद बाइक में आगजनी करने वाले युवकों के घरों में दबिश देकर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। यहाँ एक मुकेश नामक व्यक्ति का मकान है। इसके घर में इस समय 7-8 मेंबर थे, महिला और पुरुष मिला के। इनके यहाँ इनकी लड़की एक निशान आर्ट की लड़की है जो पहले किसी कॉल सेंटर पे काम करती थी। उसके साथ ही एक और लड़का काम करता था, वो यहाँ मिलने आया था। वो बैठ के अपना चाय वाय पी रहे थे। मोहल्ले के कुछ लोग पहले दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कि कौन है, उनके द्वारा बता दिया गया कौन है। उसके बाद फिर कुछ मोहल्ले के जिन लोगों के नाम आए हैं ये लोग आए, और जो इनके यहाँ आया हुआ था, मोहल्ले वालों का शक था कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कुछ इस तरह की उन लोगों के दिमाग में था, उसके साथ मारपीट कर दी। मैं जो घर की लड़कियां हैं वो भी ये बता रही हैं, एक दो लड़की की उनके साथ भी मारपीट की गई है और उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी, उसमें आग लगा दी। यदि भी आग हल्की सी लगी थी, बुझा दी गई है। जो लोग जिन्होंने इस तरह की हरकत की है अनावश्यक रूप से, क्योंकि घर के लोगों से भी बातचीत हुई है, केवल किसी के आने पे एक संदेह पैदा कर लेना, जब तक उस संदेह की पुष्टि ना हो, कानून लेने का अपने हाथ में अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ मोहल्ले वाले लड़कों ने अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास किया है। अगर उन्हें संदेह था कोई बात भी, तो ये बात पुलिस को भी बताई जा सकती थी, उसकी जांच हो जाती, सारे काम हो सकते थे। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जिन लोगों ने ये बदमाशी की है, मारपीट की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।